৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভ লগ্নে সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে হায়দার স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার এই ক্লাবের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ক্যানেল ওয়েস্ট রোডে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পৌরপিতা শচীন কুমার সিং। এদিন প্রিয় পৌরপিতাকে সম্বর্ধনা প্রদান করে ক্লাবের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৌরপিতা শচীন সিং জানান, ক্যানেল ওয়েস্ট রোডের এলাকায় সৌন্দর্যায়ন করতে ও রাস্তার বেহাল দশা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। এদিন কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজু খান, মোহাম্মদ শাবাজ ও মোহাম্মদ মুমতাজ সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় দিলসাদ অ্যান্ড টিম এদিন প্রায় ৩০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। देखिए, बोलना कुछ नहीं है। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस परिवार की तरफ से सबको 73वां प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष में तृणमूल कांग्रेस परिवार से सबको हार्दिक शुभेच्छा। आज हैदर स्पोर्टिंग क्लब ने जो किया है आज प्रजातंत्र दिवस पे गरीबों के लिए, इस ठंड में हैदर और राजू भाई ने एक क्लब चलाते हैं, हैदर स्पोर्टिंग क्लब, और जो कंबल गरीबों के लिए दिया है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं तहे दिल से पार्टी की ओर से और अपने ओर से राजू भाई और हैदर स्पोर्टिंग क्लब को धन्यवाद देता हूं, और इनसे यही बोलता हूं कि आने वाले समय में कैनल वे स्ट्रोड में जितनी भी समस्या है पर्सनली इसको देखें, मेरा साथ इनको रहेगा। हमेशा से हैदर कैनल वे स्ट्रोड के लोगों के लिए काम करता है। जितनी जल्दी हो सके मेरे को यहाँ पे जो समस्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो साफ़ सफाई की समस्या है उसको जितनी जल्दी हो मेरे को यहाँ से दूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे हमारा एक हेल्थ सेंटर है, मैं वहाँ पे अगर गया था, अगर 50 केसेस तबीयत खराब बुखार लगने का लगा जिसमें से 40 केसेस में डेंगू हुआ था। तो जितनी जल्दी हो सके, यहाँ पे कुछ नेता भी आए थे, हमारे MLA आए थे, श्रेया पांडे आई थी, कुणाल घोष आए थे, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि जितनी जल्द हो सके कैनल वेस्ट रोड के लिए काम करेंगे। गंदगी ऊपर ही बोल, कुछ देर पहले मैंने जो बोला अभी गंदगी के ऊपर ही बोला, जितना जल्दी हो सके मेरे को यहाँ की गंदगी को साफ करना है और यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना है कि लोग यहाँ पे नाक में रुमाल नहीं देके आराम से महक लेते हुए जाएं, सुगंध लेते हुए जाएं, जैसे फूल का सुगंध आता है वैसे रोड। कुछ दिनों का टाइम होगा, समस्याएं होंगी, लेकिन वार्ड ऐसा होगा कि यहाँ पे कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगा। तो अभी 1 महीना हुआ, मैं यहीं का जन्मा हुआ, पिछले 34 साल CPI की काउंसिलर थी, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, और जितनी जल्दी इसकी समस्या को समाधान मैं कर पाऊँ इसी के लिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे MLA साहब परेश पाल, हमारे स्पोक्स पर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष और श्रेया पांडे, दोनों ने विजिट किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है, तीनों ने आश्वासन दिया है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वो कैनल वेस्ट रोड पर मेरे साथ काम करेंगे और यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे। बस यहाँ पे बहुत से लोग गरीब से लोग हैं जो देखते हैं कि जो ठंड ठंडा में सुकड़ के सो रहे हैं। एक छोटा सा कोशिश था सचिन भाई को लेके करने के लिए, तो हम लोग ने किया, इंशाल्लाह ये कामयाब भी हुआ है इंशाल्लाह, और आगे चल के कोशिश करेंगे एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए सचिन भाई को साथ में लेके, एक बड़ा प्रोग्राम, जितने भी और भी गरीब लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी गरीब लोग हैं, उन सबको साथ में, सबको अच्छा से खाना, सबको अच्छा से बिस्तर देना, कंबल देना सबको, इंशाल्लाह हम लोग सब साथ में मिलकर बहुत अच्छा से एक बार एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सारी उम्मीद है, काफ़ी खुश है। आप एक बार घूम के अगर देख पाएंगे तो सब आपको यहाँ पे युवा ही देखेंगे। युवा कॉन्सर्ट के आने से बहुत से लोग के अंदर खुद जोश आया कि वो भी पार्टी करेंगे। आज कल को ये यहाँ पे ये माहौल नहीं था, लेकिन ये युवा कॉन्सर्ट के आने के बाद से काफ़ी माहौल चेंज हुआ है, काफ़ी युवा में खुश है, जोश है, आप देख सकते हैं सब युवा को यहाँ पे। बहुत सी उम्मीद है, ये युवा को एक सही रास्ता दिखाएंगे, आगे उनको काम देंगे, उनको उनको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, जो मुश्किलात उनको सामने आएंगे, पेश आएंगे, वो सब इंशाल्लाह ये हल करेंगे युवाओं का। देखिए, ये हमारा नौजवान पार्षद है और हमारा साथी है, इसको काफ़ी दिन से जानते हैं, अभी इलेक्शन जीत के कौन पार्षद हुआ है,
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी करेगा अच्छा करेगा, और गंदगी साफ़ करने का जो बात है, गंदगी इंशाल्लाह बहुत जल्द साफ़ होगी, और ये इस कोशिश में लग भी गए हैं कि जितना से जल्द साफ़ सफाई हो और साफ़ बहुत हद तक हमारे इस एरिया का, आप अगर मार्च करेंगे राजा बाजार धाड़ बागान हाजीपार नौशल्ला रोड, तो बहुत हद तक सफाई का काम मुकम्मल मैंने कम्प्लीट हो चुका है। जो लड़का जो वो आया, ये गरीब का सचिन सिंह, ये गरीब गुड़बा का रहबर बन के आया है। आज इतना दिन मेरा भी उम्र हो गया है, जो हालात अभी पूरा यहाँ से लेके बिलिया घट्टा जो बना है, ऐसा माहौल हालात नहीं देखे, और पूरा मोहल्ला ई पार से लेके वो पार तक इससे एक आसरा उम्मीद लगा दिया है। अल्लाह पाक हम लोग के बीच में एक लड़का भेजाया है, घर का लड़का भेजाया है, ये हमेशा कामयाब होगा। आज दुआ हम लोग का इसके साथ है।